तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी कितनी महंगी घूमने के लिए। मैं 3-4 दिन से यहाँ पे हूँ, ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं मैंने, रेस्ट ही कर रहा था मैं। पर मेरे को इतना पता चल गया कि ये काफ़ी बजट में आप घूम सकते हो, काफ़ी सस्ती है। बस यहाँ तक पहुँचना इंडिया से बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे तभी आ सकते हो, या तो आपके पास मैक्सिको वीज़ा हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग देश का वीज़ा, जैसे शेंगेन, US, कैनेडा, UK, वो मल्टीपल एंट्री होना चाहिए, क्योंकि वरना आपको शेंगेन से आने नहीं देंगे, वो कहेंगे वापस कैसे आएगा भाई, तो अगर सिंगल एंट्री है वीज़ा आपके पास। तो मैं शेंगेन मल्टीपल एंट्री पे मैंने एंट्री ली है। मेरा वीज़ा था कुछ 3-3.5 महीने का शेंगेन का, उसकी वैलिडिटी 2 अप्रैल तक है और आज डेट हो रही है 22 फरवरी, तो 1 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी बची थी, मेरे को एंट्री दे दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं करते ये लोग, थोड़ा आपको बस बताना पड़ता है कि आप जेन्युइन हो। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल में बैठा हूँ मैं। तो ये हॉस्टल मेरे को पड़ा भाई पहले 3 दिनों के लिए तो पड़ा $47 का, मतलब $15 पर डे मान लो, $15-16। और फिर मैंने कल एक दिन और एक्सटेंड कराया तो वो पड़ा मेरे को $14 का, और एक दिन और मैंने देखा था $8-9 का भी था, और काफ़ी अच्छा है भाई। मतलब इससे भी सस्ते सस्ते आपको मिल जाएंगे $5-6 में भी, पर ये वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छा दिखाता हूँ आपको। ये है भाई मेरा बेड, ठीक है, पूरा पर्दा लग जाता है अपना, पूरी प्राइवेसी, गद्दा बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बाथरूम पूरा क्लीन है, ठीक है, लॉकर्स भी हैं भाई यहाँ पे। मैं अपने अपना बैग वहाँ रख के चला जाता हूँ, पर आपको ताला लेके आना पड़ेगा अपना। मैंने ये ख़रीदा था ट्रिप की स्टार्टिंग में क्रोएशिया से, तो यही लगा देता हूँ मैं। वाईफाई मस्त चलता है भाई, सब कुछ टिप टॉप है, कोई भी शिकायत नहीं है मेरे को इस हॉस्टल से, सब कुछ मस्त है भाई। लोकेशन भी बिल्कुल सेंटर में है, होटल कासा MX सेंट्रो करके कुछ आएगा, बढ़िया हॉस्टल है। अब चलते हैं सिटी में बाहर, पहले चलेंगे हम खाना खाने और फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैक्सिको सिटी। आज थोड़ा बहुत घूम लेंगे ऐसे पैदल, और आपको ये बताता रहूंगा कितनी महंगी है घूमने के हिसाब से भाई मैक्सिको की करेंसी। पर इसमें एक मेरे को दिक्कत क्या लगी, पहले दिन मेरे को मिला ये वाला 20 पैसों का नोट, ठीक है, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता प्लास्टिक है ये। अगले दिन फिर मेरे को किसी ने देते ये वाला 20 पैसों का नोट, मेरे को समझ में ही नहीं आया भाई क्या चल रहा, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये तो, ठीक है 50 हटाओ। फिर मेरे को ATM से निकला था ये वाला 200 मैक्सिकन पैसों का नोट, फिर अगले दिन मेरे को किसी ने ये वाला 200 मैक्सिकन पैसों का नोट दे दिया, मेरे को फिर समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। और भाई ये वाला 500 मैक्सिकन पैसों का भी है, और लोगों के पास कोई और रंग का भी 500 मैक्सिकन पैसों का है, तो पता नहीं दो दो अलग अलग टाइप के नोट है। 20 वाले में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है भाई, देखना ये वाला 20 और ये वाला 20, और इस 20 की वैल्यू आज है 1 पैसो = 4.5 इंडियन रुपए, मतलब ये 90 रुपए का नोट है। निकल चुका हूँ मैं बाहर, कल मैंने खाया था उस शॉप पे, उस शॉप पे टाको मिलता है छोटा सा, वो मिलता है 11 मैक्सिकन पैसों का। देखो वहाँ पे लिखा है ना 11 पैसो, पेप्सी वेप्सी चाहिए तो 20 पैसो, और शेक चाहिए तो 30 पैसो, तो काफ़ी सस्ता है भाई। 11 पैसो मतलब 50 रुपये में आपको एक टाको मिल रहा है, हालांकि आपका एक टाको से पेट नहीं भरेगा, अगर मेरे जितना आप खाते हो तो आपको खाने पड़ेंगे 5 टाको एक साथ, और फिर जूस भी पिया था मैंने कल, और अगर परमवीर जितना खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आपको खाने पड़ेंगे 8 टाको के करीब, तो 8×5=400 रुपये में आपका खाना होगा मतलब। और टाको में आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्या कहते हैं, या तो आप ले लो चिकन बहुत रेयर है, बीफ, पोर्क और पोटैटो, बीन्स, ये सब ऑप्शन आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे हर जगह, या फिर मिक्स्ड ऐसा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे, क्योंकि टाको खा खा के ऐसे पेट नहीं भरता है, एक बार इंडियन खा लेते हैं सुबह, और फिर पूरे दिन चाहे कुछ भी खिला दो मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट कितना महंगा है, कितना सस्ता है। और मैक्सिको सिटी में ना भाई पुलिस की बहुत ज़्यादा तैनाती है भाई, अभी मेरे ना लेफ्ट साइड पे देखना कि यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, तो सिटी सेंटर के आजू बाजू ना बहुत ज़्यादा पुलिस की तैनाती है, बहुत हद से ज़्यादा। मैक्सिको सिटी में 2-3 रेस्टोरेंट हैं, पर अमीर तो कह रहा था उसको इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा, पर मेरे को ठीक लगा यार, इंडिया टाउन नाम से, और प्राइस इसके काफ़ी डिसेंट लगे मेरे को। ये मैंने कल खाई थी रॉयल थाली, आज खा रहा हूँ मैं नॉर्मल थाली, ये है 190 इसकी क्या कहते हैं मैक्सिकन पैसों की, जो लगभग 1000 रुपये हो जाते हैं, जिसमें 3 सब्जी आती हैं भाई, पनीर, मिक्स वेज, दाल फ्राई, फिर चावल, अचार, रायता, ये क्या है, एक और रायता है के पापड़, एक नान, बटर नान। तो भाई मेरे को तो यार डिसेंट लगा, और टेस्ट भी मेरे को, मतलब मैं कहूँगा मैं दे दूँगा 10 में से 6.5। तो ये था भाई अपना इंडिया टाउन रेस्टोरेंट,
यहाँ खाना खा लिया। कल तो यार मैंने खाना खाया था तो इन्होंने टैक्स कुछ जोड़ा नहीं था, 245 की थाली थी 245 ही लिए। आज 190 की थाली थी, उसको मैंने टेबल पे बिल मंगाया तो उन्होंने 28 पैसों कुछ जोड़ दिए। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा छोड़ो क्या बोलना 28 पैसों पे, मैं वैसे भी उस वेटर को थोड़ा बहुत टिप देने ही वाला था, तो मैंने कहा छोड़ो भाई। पीछे मैंने खाया था पहली रात को सब्वे भी, तो यहाँ पे 6 इंच वाला सब्वे था कुछ 500 रुपये का, तो वो तो थोड़ा महंगा था, पर इंडियन नेशनल सही है यहाँ पे। और ये इनकी मेन स्ट्रीट है, वॉकिंग मतलब वो सेंटर आ गया, ये इनकी मेन स्ट्रीट है। ये मेक्सिको का फ्लैग है अगर आपको नहीं पता तो, और ऐसे लाइव परफॉर्मेंस से चलते रहते हैं यहाँ पे, कुछ करते ही रहते हैं लोग। तो जो भाई मेक्सिको की करेंसी है वो है मैक्सिकन पैसो, और ये है एक मैक्सिकन पैसो इज इक्वल टू 4.5 इंडियन रुपीज़। पहले थोड़े 4 में आ जाता था पर अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे, डॉलर के मुकाबले मैक्सिकन पैसो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो अब एक मैक्सिकन पैसो में 4.5 इंडियन रुपीज़ के करीब आते हैं। तो क्या पता जब आप आओ 5 हो जाए 4 हो जाए, तो ये आज के हिसाब से है। और मैं सारी चीज़ें भाई इंडिया के रेट्स के हिसाब से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि भाई मैं तो इंडियन रुपए में कमा के आ रहा हूँ ना, कोई भी इंडिया का बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा वो इंडियन रुपए में कमा के आ रहा होगा, यहाँ के हिसाब से थोड़ी ना बात करूँगा मैं, तो अपने इंडिया के हिसाब से ही कंपेयर करके बताऊँगा मैं। खैर इंडिया से तो कुछ भी कंपेयर करना नामुमकिन है, उतना सस्ता देश जिस देश में हम रह रहे हैं वो है ही नहीं, तो इसलिए हमको थोड़ा ना हर दूसरे देश में घूमना थोड़ा महंगा इसलिए लगता है क्योंकि हम सबसे सस्ते देश में रहते हैं। कोई भी मेरे को आज तक कोई देश ही नहीं मिला है जो कि मतलब इंडिया से ज़्यादा सस्ता हो, तो ये भी इंडिया से थोड़ा महंगा ही है। तो भाई यहाँ पे आप एटीएम से पैसे निकलवा सकते हो। मैंने यूज़ किया था सिटी बैंक का एक एटीएम था, एयरपोर्ट पे मिल गया था, उसने मेरे से लिए थे 31 मैक्सिकन पैसो, और मतलब शायद कितने भी निकलवा लो मैंने 5,000 पैसो निकलवाए थे कुछ 22-23,000 रुपये करीब, और 130-140 रुपये एटीएम ने लिए थे। और एक बैंक है जिसका नाम है सतेंद्र, और एक BBVA करके भी है शायद यहाँ पे, वो भी कम ही चार्ज लेते हैं, मतलब 30-32 पैसे ऐसे लेते हैं, तो सही है क्योंकि थाईलैंड वगैरह में आप पैसे निकलवाओगे एटीएम से तो 500-600 रुपये तो चार्जिंग में ले लेते हैं, और वो भी लिमिटेड निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे 5,000 तक तो निकलवा लिए, और 5,000 बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। मैंने हॉस्टल की पेमेंट भी कर दी, 4 दिन से हूँ मैक्सिको सिटी, खाना खा रहा हूँ, हॉस्टल की पेमेंट, पानी की बोतलें खरीद रहा हूँ, और मेट्रो वेट्रो सब चीज़ ले रहा हूँ, पर ख़त्म नहीं हुए मेरे अभी तक भी बचे हैं मेरे पास 3,000 पैसों। भाई यहाँ पे जूते साफ करने वाले बैठे रहते हैं, एक अपनी रेडी सी लेके वो देखो करने लग रहा है उसके जूते साफ 20-21 पैसों में 15-20 पैसों में। ये आपके जूते देखो, इस तरफ भी है एक, ये रहा, बहुत सारे हैं पूरी सिटी में ना, 15-20 पैसों में आपके फुल जूते टनाटन कर देते हैं। ये छोटे छोटे खोखे भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसमें मैगजीन पेप्सी ये सब बिकता है। देखो एक और आ गया, और इसमें ना अंदर बैठने की जगह ही नहीं होती, ये खोखा जो है ना इस बंदे का ये बाहर बैठा है, और देखो है अंदर बैठने की, पर ये वाला थोड़ा छोटा था और वो मैंने देखा अंदर बैठने की जगह ही नहीं है, बाहर स्टूल डाल के बैठे रहते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है भाई वॉशरूम का भी मतलब पता नहीं क्या ही सिस्टम है, देखो यहाँ पे ये आ गया बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ वॉशरूम है। मेरे हिसाब से 5-6 पैसों देखो लिखा हुआ, 6 पैसों चार्ज है वॉशरूम का, 30 रुपये। देखो वॉशरूम का भी एक तरह से बिजनेस सा बना दिया इन्होंने कि यहाँ वॉशरूम है आ जाओ, कि नकली दुकानों का अड्डा आ गया। चप्पल लेनी थी यार मेरे को, चप्पल देखता हूँ कहीं मिल जाए तो। भाई ये बिल्डिंग है यहाँ पे सेंटर में ना सबसे ऊंची बताई थी, और इसका नाम है लेटिनोज कुछ अमेरिकानों कुछ ऐसे करके, और इस बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हैं, तो पूरे शहर का व्यू लिए भी मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, तो इसके ऊपर चलते हैं, टिकट देखते हैं कितने की होगी और ऊपर चलते हैं। आगे देखो कोई मतलब ऐसी वाली मार्केट आ गई है, सेक्स मतलब वो वाली नकली वाली, सब नकली चीज़ें, पर ऐसी मार्केटें ठीक होती हैं, कुछ आपको छोटा मोटा सामान लेना हो ना तो इनसे ले लो। अरे मेरे को चप्पल चाहिए तो मैं जाके देख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद चप्पल कितने की क्या मिलती है।
मैंने मैक्सिको में एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो जैसे KFC है, ये इंडिया में यहाँ पे कहीं पे भी सिर्फ KFC लिखा होता है, पर यहाँ पे हर KFC मैंने 3-4 देख लिया भाई अभी तक, ठीक है, हर KFC पे ये लिखा है केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी मतलब पूरी फुल फॉर्म लिखी है। और ये इनका कोई मेन बिल्डिंग से आ गई और हम इस बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, इसके ऊपर चलते हैं। हम आ गए हैं 37th फ्लोर पे भाई, इसके ऊपर एक और लिफ्ट जाती है, उसने कहा उस पर भी जा सकते हो आप, पर पहले चलो यहाँ घूम लेते हैं 37th फ्लोर से कैसे कहना जा रहे हैं। और टिकट पड़ी भाई यार महंगी लगी मेरे को तो, 180 की कुछ पड़ी है, 180-750 रुपये की कुछ। ठीक है देखो, नज़ारे लेने हैं तो थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। वो देखो वो है मेन स्क्वायर, जहाँ पर सबसे बड़ा फ्लैग लटक रहा है ना, वो मेन स्क्वायर है और मैं था उस वाली रोड पे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप सीधा मतलब ये मान लो उसके पैरेलल में इस रोड से ऐसे चल के आए हैं, ऐसे सीधा। हम 37th फ्लोर पे हैं, फिर 38th, 44 तक जा सकते हैं, चलते हैं फिर ऊपर ही चलते हैं। यहाँ से तो मतलब शीशा भी आया रखा बीच में, गंदा सा है शीशा, मज़ा नहीं आ रहा। साइड तो था मैक्सिको का हिस्टोरिक सेंटर, और ये शायद है भाई इनका मतलब बिजनेस वाला, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना, और यहाँ बहुत, और ये तो वो अमेरिका में जैसे पार्क है सेंट्रल पार्क जैसा, वैसा पार्क सा लग रहा है। पर यार यहाँ इस वाले फ्लोर में बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा शीशे लगे हैं, सीधा सनराइट अंदर आ रही है तो गर्मी बहुत हद से ज़्यादा लग रही है। आगे भाई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ से इनमें से देख सकते हो आप, फ्री है क्या ये। नीचे जो बाइनोक्यूलर लगा था उसका था 5 पैसों, इसका है 10 पैसों 2 मिनट के लिए। नहीं देखना भाई आंखों से सही दिख रहा है और मेरा कैमरा सही जूम कर लेता है। मैं बताऊं तो भाई मेरे को तो देखो वर्थ लगा यहाँ पे इसको ऊपर आना, क्योंकि मैक्सिको में क्या है ना, इतनी हाई राइज बिल्डिंग है ही नहीं, 10-12 फ्लोर 15 फ्लोर इतनी बिल्डिंग है। जैसे दुबई के लिए आपको मतलब 120 फ्लोर पे इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आसपास की सारी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, पर यहाँ पे है ही आसपास मतलब सारी छोटी छोटी, तो इतनी ऊंचाई पे आगे बड़े आराम से पूरा शहर दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। और टिकट भी 750, अब मेरे को बर्थ लग रही है, मेरे को लगा था वहाँ पे आगे मेरे को बर्थ नहीं लग रहा था, पर हाँ इस वाले ऊपर वाले आगे और इसके नीचे वाला भी बढ़िया है। आगे अपना चाय पानी पी के जा सकते हो, मतलब चाय कॉफ़ी का और मिला दें तो 1,001 रुपये में बस, ठीक है। मतलब यहाँ पर सारी बिल्डिंग ऐसे हैं फ्लैट, मतलब पुरानी है सारी, 7-8 फ्लोर से ज़्यादा की दिख नहीं रही, और हम 45वें फ्लोर पर हैं तो पूरा शहर दिख रहा है। तो भाई एक ये मैंने कॉर्नेटो से ले लिए, 35 की पड़ी है, 180 रुपये की, ऊपर बैठ के खाते हैं आराम से। भाई मैक्सिको चाहे कैसा भी हो, यहाँ पुलिस की गाड़ी आप देखो, इसके सामने से निकलूँगा मैं अभी, डॉज है भाई यहाँ पे पुलिस की गाड़ी तो, और मतलब बढ़िया है। तो मैं पुलिस की गाड़ी के सामने से निकला, उन्होंने टोका नहीं क्योंकि मैं चुपके से वीडियो बना लाया, ऐसे पुलिस की गाड़ी की वीडियो बनाओगे आप तो मतलब थोड़ा शक सा तो होता ही है। और देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कुछ दंगे दंगे होते रहते हैं यहाँ पे, तो ये भी तैनात हो रहे हैं। इससे पहले कि आप प्राइसेस कंपेयर करने लगो, तो मैक्सिको की जो पर कैपिटा GDP है, जो अभी के सेंसस के हिसाब से, वो है $10,000, ठीक है। और यहाँ पे भाई फोन का ध्यान रखना पड़ता है, एकदम से कोई लेके जा सकता है, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पर मैक्सिको थोड़ा ज़्यादा अनसेफ है इन मामलों में, छीना झपटी में। अगर मैं स्विट्ज़रलैंड में घूम रहा होता तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, ठीक है। फिर आता है मैक्सिको सिटी की, मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा होगी मैक्सिको सिटी की, आप मान लो अगर मैक्सिको की एवरेज 10,000 है तो मैक्सिको सिटी की होगी अराउंड मान लो आप 17-18,000 के करीब, क्योंकि ये सबसे अमीर सिटी है पूरे मैक्सिको में, और 22% जो पूरे मैक्सिको अर्न करता है उसका मैक्सिको सिटी देती है, ठीक है। और जो सबसे गरीब स्टेट है यहाँ पे चियापास, वो है साउथ मैक्सिको में, और उसकी GDP पर कैपिटा पूरे साल की है सिर्फ $3,500। मतलब ये मानो इंडिया की जो एवरेज है ना उससे $1,000 उस स्टेट की भी इंडिया से ज़्यादा है। तो
मैक्सिको ठीक ठाक देश है इस हिसाब से मैं बताऊं तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है, पर मैक्सिको की जो 23% आबादी है मतलब एक चौथाई आबादी $5.50 पर डे से कम कमाती है। तो $5.50 इंडिया के हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादा हो गए, ₹500 पर डे मतलब पूरे महीने की 15,000, और उसको मतलब ये गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। और 7.5% जो लोग हैं यहाँ पे वो गरीबी रेखा की भी एक्सट्रीम गरीबी रेखा पे है, और 41% बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब जो इनकी पॉवर्टी गरीबी रेखा की सीमा होगी उससे नीचे 42% लोग रहते हैं मैक्सिको में। इन्होंने जो अपनी डिसाइड कर रखी है इंडिया के हिसाब से नहीं, इन्होंने जो कर रखी है, तो उस हिसाब से आप कंपेयर करना कि क्या प्राइसेस है क्या नहीं है। भाई यहाँ पे भी रिक्शा सी चलती है ये, पर मेरे को पता नहीं कितना क्या प्राइस लेते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा ही लेती होगी। भाई जब मैं एयरपोर्ट से आया था तो मेरा लगा था टैक्सी में 270 पैसों, जो कि होता है 1200। 10 किलोमीटर आया था मैं, रात के बज रहे थे 1 तब। अगर दिन में मैंने अभी चेक किया था, अगर मैं अपने हॉस्टल से उतना ही डिस्टेंस दिन में जाऊं तो 110-120 मैक्सिकन पैसों में मतलब 501 रुपये में मेरे को टैक्सी पहुंचा रही थी। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सस्ती है टैक्सी भी इतनी महंगी नहीं लगी मेरे को। आज सुबह भी मैं कहीं जाने के लिए चेक कर रहा था तो 200-250 रुपये की आई थी। तो मतलब ये है कि हाँ यूरोप में कई देशों में आ जाती है इतनी सस्ती, क्रोएशिया में जैसे आ जाएगी, बोस्निया में आ जाएगी, पर मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन देशों में इतनी सस्ती नहीं मिलेगी आपको। तो भाई मैक्सिको सिटी में तो मैंने आपको दिखा दिया था ये सब प्राइसेस, होटल वगैरह ये सब के कितने हैं। अब हम चलते हैं एक सुपरमार्केट में। मैं हूँ अभी कैनकून में, ये है साउथ ऑफ मैक्सिको में एक सिटी है, तो सुपरमार्केट चलते हैं। और मेरे ना पैसे भी ख़त्म हो गए थे, मतलब कैश जो था, और मैक्सिको यार एक तरह से कह सकते हो कैश इकोनॉमी वगैरह है। मेरे को यहाँ से टूर वगैरह भी बुक करने एक दो, तो निकलवा लेते हैं यार थोड़े बहुत पैसे ना, क्योंकि आज मैं बाल कटवा के आया हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो बाल काटे उसने भाई 200 मैक्सिकन पैसों, जो कि हो गया लगभग 900 रुपये। और मैं अपने घर के पास सबसे हाई फाई सलून पे कटवाता हूँ जो मेरे घर के आसपास है, वो 500 रुपये में बाल काट देते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा थोड़े लग गए। कोई नहीं, अब चलते हैं हम सुपरमार्केट, सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि अब 6 दिन कल आ गया था मैं, आज का दिन भी हो गया, 6-7 दिन में मैं अभी कैनकून में ही हूँ, कैनकून या फिर उसके आसपास, या फिर एक सोच रहा था मैं 1-2 दिन किसी गाँव में जाके रुक जाऊँ मैक्सिको, देखते हैं कैसे गाँव वगैरह हैं, देखते हैं वो। तो यहीं से मैं थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेता हूँ, भी बार बार बाहर जाके खाने में अजीब सा ही रहता है भाई कि चलो अब खाने जाना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, जैसे प्रोटीन बार ये सब ना ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि सुबह उठते हम खा सकें। तो आगे सुपरमार्केट पास में ही थी, यहाँ पे सुपरमार्केट का नाम है OXXO कुछ ऐसा करके नाम है, तो ये सुपरमार्केट है। ये चिप्स वगैरह देख लो आप कितने क्या हैं, 50 पैसों मतलब 225 रुपये के। चिप्स तो यार इंडिया में ही बहुत सस्ते, इंडिया में सस्ते हैं, उससे सस्ते कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आप। ये भाई इनकी कोई बियर XX करके, ये 6 बियर के कहने हैं 500 रुपये के, 355 ml वाले। तो हैनिगन है 28 की बड़ी वाली, 1 मैक्सिकन पैसो आपको मैं बता चुका हूँ 4.5 रुपये के बराबर है। जूस है भाई 16 का, बिस्किट हैं ये 3 ओरियो लोगे तो 39 के, मतलब 13 का एक हो गया। फिर अलग अलग तरह के यहाँ बिस्किट हैं भाई, ये वाले डोरिटोज तो पहली बार देखे मैंने। फ्लेमिंग हॉट में यहाँ पे ठीक ठाक मिर्च डालते हैं लोग, एक ये ले लेते हैं 34 का भाई। यहाँ पे आपको ना ऐसी टोर्टिलाज मिल जाएंगी, रोटी सी होती हैं ये, और 22 पीस हैं 40 के, सस्ता है फिर मतलब मेरे हिसाब से 9 रुपये की एक रोटी हो गई मान लो। तो भाई मैक्सिको में ग्रोसरी का मेरा बिल आया 137, पर ये थैला मिला मेरे को 11 पैसों का, और मेरा हॉस्टल यहीं पे, पर मैंने थैला ले लिया क्योंकि मेरे को ज़रूरत है। इतने सारे मैग्नेट हो गए हैं, ये सिक्के कलेक्ट करे हैं मैंने, ये मेरा इस ट्रिप पे 23वां देश है, तो 23 तो मैग्नेट ही हो गए मेरे पास, और उनके सिक्के बहुत भारी हो चुका, मतलब 1.5 किलो का यही सामान हो चुका है। तो मेरे पास थैला भी नहीं था, अब थैले में लपेट के उनको रख दूंगा, अब आगे की ट्रिप के कहीं और रखेंगे, इसलिए मैंने खरीद लिया ये बैग, वरना मैं भाग के ले आता। 137 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं बताता हूँ क्या क्या लिया मैंने। 2 केले लिए, 2 कप नूडल्स जो आती हैं वो ली, 1 वो डोरिटोज वाला लिया, 1 लीटर दूध का पैक लिया, और 2 लिए 350-350 ml के चॉकलेट मिल्क शेक, मतलब जो ऐसे ही खा सकें। पहले मैं सोच रहा था अंडे टोर्टिलाज ले लूँ, अंडे ऑमलेट बना के टोर्टिलाज में लपेट के खा जाऊँगा,
पर क्या है कि कल मेरे को हॉस्टल चेंज करना है अपना, तो फिर मैं अंडे कहाँ 12 अंडे उठा के घूमता फिरूंगा। तो मैंने कहा उस हॉस्टल के पास से ले लेंगे, क्योंकि उस हॉस्टल में 5 दिन रुकेंगे हम, तो इतना एक्सपेंसिव मेरे को तो काफ़ी सस्ता लग रहा है यार मैक्सिको रहने में भी। मैंने जो हॉस्टल बुक किया है तो ठीक, मतलब इसमें कमियाँ क्या है, गर्म पानी नहीं आता। दूसरी कमी है भाई कि सुबह शाम को चलाएंगे एसी 7:30 बजे, सुबह ऑफ कर देंगे 8 बजे, फिर पूरे दिन भपकी सी हुई रहती है कमरे में, मैं इसलिए बाहर बैठा था। और क्या कमी है, वाईफाई ठीक है, रेट के हिसाब से ठीक है हॉस्टल, $10 दे रहा हूँ मैं दिन का, काफ़ी सस्ता ही लगा मेरे को तो। और बाहर बैठने का सही है, पर यह है कि अंदर पंखा तक नहीं है उस कमरे में। और हाँ, जो बेड है मेरा, जैसे गद्दा नहीं आता नया, उस पर पन्नी चढ़ी रहती है, जैसे गाड़ियों पे चढ़ी रहती सीटों पे, नए गद्दों पे भी चढ़ी रहती है, तो पन्नी उन्होंने उतारी, जैसे ही बंदा कोई भी करवट ले, करड़ करड़ चरड़ चढ़ो, पन्नी की आवाज़ आती है। तो पता नहीं पन्नी क्यों नहीं उतार रहे, उतार देनी चाहिए पन्नी तो यार। रिव्यूज़ में भी पढ़ा था मैंने ये, पर सबसे सस्ता यही मिल रहा था, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक दो दिन के लिए रुकना है तो ठीक। कल रात को आया था तो मेरे को इतनी गर्मी नहीं लगी, पर अभी दोपहर में मैं अपने रूम में लेटा था तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। चलो अब जाके दूध केले वगैरह खाते हैं।